आज ऐतिहासिक दिन है, आज देश के लिए गौरवमय क्षण है। आओ इसके साक्षी बने, आओ राममय हो जाए। ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने यह बात हनुमान चालीसा का पाठ करने के दौरान कही। देखिए खास रिपोर्ट। जय जय बजरंगी हर हर महादेव, जय जय। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना आज सच हो गया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ मंदिर की नींव रखी, तो वहीं सुबह के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पूर्व संध्या पर विधि विधान से संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ इस अंदाज में वो राम भक्ति में डूबे नजर आए, सुर भी मिलाया और ताल भी। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में अब काहे का विराम है। जीव को रहे तो जग जीवन लाभ है, मर भी जाए तो रहने को स्वर्ग धाम है। अब तो यह काम भी रुकेगा नहीं राम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। जय जय बजरंगी हर हर महादेव। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आज गौरव का क्षण है, आओ इसके साक्षी बने, आओ राममय हो जाएं। बड़ा हर्ष का दिन है, आत्मा भाव विभोर है, प्रसन्नता के ये क्षण। सैकड़ों साल सिर्फ कुछ कैकई और मंत्रा जो सुबह ही ट्वीट कर देती हैं, उनके कारण से इतना लंबा वनवास झेलना पड़ा। मैं तो आज के दिन ऐसी कैकई और मंत्राओं जो अकारण के ट्वीट करके वातावरण को कुलुषित करते हैं, ऐसे पवित्र भाव को भी खंडित करने की जो कोशिश करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। चूंकि आज का दिन सिर्फ राममय का दिन है, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबसे भी प्रार्थना है कि आओ हम सब मिलके इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, गवाह बने और राम धुन में मग्न हों। कुल मिलाकर अपनी वाक पटुता के लिए मशहूर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संगीत में भी हाथ आजमाए। बहरहाल आज पूरा देश राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।